राजकुमार हिराने की फिल्म संजू बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। आपको बता दें इस साल की सबसे बड़ी ओपनर बनी फिल्म संजू, जिसने अपने पहले दिन 34.75 करोड़ की कमाई की और इसी के साथ ही एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और रेस 3 का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने भारत में पहले दिन 31 और 29 करोड़ की कमाई की थी। अब आपको बता दें संजू ने पहले दिन 34.75 करोड़ की कमाई के बाद दूसरे दिन भी शानदार कमाई का सिलसिला जारी रखा और बिना छुट्टी वाले दिन और शनिवार को भी अच्छी खासी कमाई करते हुए फिल्म ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया, यानी कि दो दिन में 69 करोड़। और वीकेंड पर आपको बता दें अर्लियर एस्टिमेट बताया जा रहा है एडवांस बुकिंग के मायने से कि रविवार को फिल्म का कलेक्शन और भी तूफानी होगा और फिल्म रविवार के दिन कमाएगी और भी ज़्यादा अच्छा आंकड़ा और लगभग 40 करोड़ तक का इसका कलेक्शन जाने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि फिल्म संजू तीन दिन में 109 करोड़ का मुकाम हासिल कर सकती है, जो कि रणबीर कपूर की फिल्म के लिए वाकई में बेहतरीन है। रणबीर कपूर की काफी टाइम बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म सिनेमाघरों में देखने को मिली है। इससे पिछली कुछ फिल्में रणबीर के लिए फ्लॉप साबित हो रही थी और इस बार राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म संजू वाकई में शानदार लग रही है। इसका पूरा पूरा श्रेय राजकुमार हिरानी और रणबीर कपूर के अलावा परेश रावल और विक्की कौशल को भी जाता है, जिन्होंने फिल्म में काफी शानदार अभिनय किया है। संजू ने तीन दिन में भारत में 109 करोड़ की लमसम कमाई कर ली है। आपको बता दें वर्ल्ड वाइड भी इसका कलेक्शन काफी जबरदस्त है और पाकिस्तान में फिल्म को अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला और साथ ही अन्य देशों में। अगर इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसमें जोड़ लिया जाए तो तीन दिन में ये फिल्म 150 करोड़ का कलेक्शन कर जाएगी, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा है। तो आपको ये कलेक्शन की रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि ऐसी और भी अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।